बहुत मजा आया यार। हम दोनों के लिए पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी तो हम दोनों बड़ी एक्साइटेड थी यार, मतलब प्लेन में कैसे बैठते हैं। और हाँ नहीं सच में यार मैं कभी बाहर और नहीं हम गया। डिफरेंट फ्लाइट्स पे थे तो हाँ मैंने तो फिर मैंने हमें लगा इसको फोन करते हैं, फिर पता चला फ्लाइट से किसी को फोन भी नहीं कर सकते। मैंने ट्राई भी किया ट्राई था हाँ मैंने मैसेज किया था, मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। पर लेकिन उससे पहले ही हमने बात कर रही थी और हमने हाँ बोला था कि वेज नॉन ऑर्डर भी कर सकते हैं ना, खाना हाँ जो भी चॉइस का बड़ा होता अच्छा है। लगा बहुत यार, अच्छा लगा। तो खाना भी लेके आई है एयर होस्टेस। हाँ और सीट भी चूज कर सकते हो पहले हाँ और से। रिक्लाइन भी हो रही थी मेरी, हाँ क्या बात है, तो इट वॉज बहुत फन यार, मजा बड़ा आया मजा आया। तो मैंने हमें, बहुत मजा आया ये शो करके। एज यू कैन सी हमने बस मस्ती की है, थोड़ा बहुत काम भी किया है, लेकिन बहुत ही फन कैरेक्टर्स हैं और लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं बस। टीवी की दुनिया में अब तक हम लोगों ने आपकी बहुत ही फैन फॉलोइंग देखी है, अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपकी ये सीरीज आने वाली है, कैसे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई दिनों में ढेरों सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ढेरों सारी सीरीज आई, लोगों को बहुत पसंद आई है। तो आप जी। बताइए आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं एंड कितने एक्साइटेड हैं? मुझे लगता है जैसे टेलीविज़न की दुनिया होती है, बहुत सारे शोज़ बनते हैं, फिल्में होती हैं, बहुत सारी फिल्में बनती हैं, पर कुछ आध अच्छी बनती हैं, कुछ आध लोग प्यार देते हैं। तो ओटीटी और भी बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा शो उसमें स्टैंड आउट करेगा। ऑल्सो दिस इतना सारा काम हो रहा है जिसमें जो बहुत ही इंटेंस वायलेंट शोज़ है, दूसरी साइड देर अदर काइंड ऑफ शोज मोर सेक्सुअल इन नेचर, थ्रिलर। आई थिंक हमारा बड़ा सिंपल जो दिल की बात कहता है, जो दोस्ती की बात कहता है, वो वाला शो है। तो काफ़ी वक्त हो गया आई थिंक ऐसा शो देखे। लास्ट मैंने ऐसा कुछ देखा था, नॉट लाइक दिस बट इन दैट स्पेस विच आई रियली इन्जॉयड वॉज परमानेंट रूममेट्स वन, जो TVF का शो था। पर उसके बाद मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है, तो मुझे लगता है ये अलग है। एंड हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने थोड़ा बहुत देखा है शो, हमें अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक लोगों के दिल में जगह बनाएगा ये। आप बताइए अन्य जी। ऑनेस्टली मेरा जवाब जो इन्होंने कहा है वही है, कभी तो अपना बोलो यार। नहीं दैट्स व्हाई आई टॉक फर्स्ट। नहीं तो ठीक है आप, चलिए आपसे आप देखो पूछते हमेशा हैं। उनसे पूछो पहले। हाँ ठीक है अब आप मेरे से पूछिए। इसका कुछ रिप्लाई करेंगे आप? किसका? ओके ठीक है, मैं आपको एक फ्रेश नया क्वेश्चन। सवाल हाँ पूछिए। हाँ नॉवेल पर बेस्ड है ये, जी सो आप बताइए कि मैंने नहीं पढ़ी नहीं है। पढ़ी? नहीं मैंने पढ़ी है। देखिए आप मुझसे पूछ लेते ना, सुमृत शाही ने लिखी है, सुमृत शाही यहाँ है, यही कहीं है। हाँ यही कहीं है। उन्होंने अपनी शाही से लिखी है। हाँ और 21 साल की उम्र में लिखी है। आई थिंक इट्स इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। 21 साल की उम्र में मैं लव लेटर्स ही लिख रहा था, उन्होंने एक नॉवल लिख ली, किताब ये लव लेटर्स पढ़ रही थी, इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उस उम्र में किताब लिखना और आज शो बनना उस पर, एंड देन टू हैव मी एंड आन्या ऑन इट मस्ट बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर सुमित। अब जब आपको बताया कि नॉवेल पर बेस्ड है ये जी एंड आप लोग को इसमें फीचर करना है, ऐसे अपने ब्यूटीफुल हैंडसम चेहरे लाने आए हैं, हाय सो आप बताइए कि कुछ नर्वस थे या एक्साइटेड थे क्योंकि जो नॉवेल में उसे पर्दे पर लाना है? तो अन्या जी बहुत एक्साइटेड थे, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। ऑल्सो सुमृत ने डायलॉग्स लिखे हैं, ही इज द को राइटर, तो उनकी बुक थी, उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, हम तो बस जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिखे हैं, वी ब्रॉट लाइफ, वी गेव लाइफ टू देम, तो एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विद इट। तो इफ योर राइटर्स हैप्पी, योर डायरेक्टर्स हैप्पी, योर को-स्टार्स हैप्पी, देन यू आर गुड, आई थिंक आई एम प्रीटी दैट्स हैप्पी इट। देन। या हाँ चलिए, इसे टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए 20th of January को स्ट्रीमिंग होने जा रही है, यस सो आप बताइए कि आप लोग ऐसे डेब्यू करने जा रहे हैं एक अलग ही दुनिया में, वेब्यू जी बोलते हैं इसे, वेब्यू वेब्यू की दुनिया में डेब्यू जस्ट करने मेड जा इट रहे अप, हैं, सो आप बताइए वेब्यू कितने कितना क्यूट लग रहा है 20th of January जी। कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स के लिए? अलग ही दुनिया वेब्यू की क्या दुनिया आप में, एंक्शियस हैं, क्या आप नर्वस हैं, नर्वस क्या हैं, फील कर अपने रहे हैं, फैंस को भी या जानते भूख हैं लग क्या? रही है? मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें बहुत मजा आया है ये शो बनाने के वक्त, और सिंपल स्टोरी है, सिंपल कहानी है, मजेदार कहानी है, सिंपल इमोशंस है जो सब फेस करते हैं, बहुत रिलेटेबल है, तो आई जस्ट होप कि ऑडियंस को अच्छा लगे, अरे 100% दे लगेगी, एंजॉय दे इट। विल एंजॉय इट ब्रो, डोंट हाँ या जस्ट रियली यू विल लव इट गाइस, यू आर वेरी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, 100% विल कनेक्ट फॉर श्योर। योर बर्थडे गिफ्ट टू देम। यस और बर्थडे भी है आपका, सो जी ऐसे स्पेसिफिक प्लानिंग होने वाली है आप गेस्ट गिफ्ट नहीं लाए? गिफ्ट हमने सब हम मैं आया ना वो मैं तो इनका आया। गिफ्ट है, अच्छा ऐसा आपको क्या लगा आप मेरे गिफ्ट हैं?
ऐसे साथ में 24 जैन को. अच्छा एक एक बोल दें. ओके कूल. सो जस्ट लाइक हाँ मेक अ पिच. ऑलराइट देन 20th January. Never kiss your best friend on Zee5. It stars Anya Singh. And Nakuul Mehta. Yeah, and a lot of people we really love. Yes. Vicky Valia, Rituraj Singh, Vivek Mushran, Suchitra Krishnamurti, yes. Adi Chug, Paloma. Yes. Are we missing names? Yes. Mohit. Yes, I'm very fond of Mohit. So all of us are on the show and it'll be a fun show to watch. Please watch it. Thank you. Thank you so much.